एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात करेंगे विद्या के बारे में, एजुकेशन के बारे में। जब भी इस संदर्भ में पेरेंट्स जो अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों का एजुकेशन कैसा रहेगा, तो इसको जो जानने का है, तो आज जो हम सरल तरीके से बताना चाह रहे हैं कि आपको कुंडली में यह देखना है, पंचम भाव जो है विद्या का भाव कहलाता है, एजुकेशन का भाव कहलाता है, और पंचमे से इसका जो स्वामी बनता है उसकी स्थिति को देखते हैं। और साथ साथ में जो कारक हैं विद्या के, वह हैं बुध ग्रह हैं जो बुद्धि के हैं, गुरु ग्रह जो ज्ञान के हैं, और शुक्र ग्रह हैं। इन तीनों जो ग्रहों का संबंध अगर पंचम भाव और पंचमे से होता है, साथ साथ में इन ग्रहों का संबंध लग्न, क्योंकि आपका व्यक्ति तो आप हैं और लग्नेश हैं, तो लग्न और लग्नेश से भी अगर इनका संबंध बन जाता है, और ये संबंध अगर आपकी कुंडली में पहले चौथे सातवें दसवें भाव में या पाँचवें नवें भाव से बनता है, तो ये संबंध बहुत अच्छा कहलाएगा। और इस जो जो जातक और जातिका है, जो भी बच्चा है, उसका एजुकेशन बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह से आपने देखना है कि किस तरह से, और इनका पहला भाव और उसका स्वामी लग्न लग्नेश, और पंचम भाव और पंचमे, पंचम भाव और पंचम भाव स्वामी का संबंध जब बुध ग्रह से, गुरु ग्रह से और शुक्र ग्रह से होता है, और ये अगर अच्छे भाव में होता है और इन पंचम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो इस बच्चे का जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा। इसके विपरीत अगर पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी अगर वो 6-8-12 में जाते हैं और उनमें पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, तो उतना अच्छा एजुकेशन नहीं होकर उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो ये सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया। हमारे विस्तृत वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, उस पर उपलब्ध वीडियोस को भी आप देख सकते हो, जहाँ में हमने डिटेल में इनके बारे में चर्चा की गई है। तो आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप हमारे से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीफोन के माध्यम से आप सलाह ले सकते हैं। इसकी जानकारी दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह से आपको फिर से पुनः आपको इस धन्यवाद।